मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश बंसल है, संजीव भसीना और अब मेहरबुन ईरानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेहरबुन, गुड मॉर्निंग। मार्केट्स पर व्यू क्या है? दो तीन सेशंस बचे हैं, उसके बाद यूनियन बजट का पेश होगा, तब तक मार्केट में किस तरह का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं और पोस्ट बजट क्या दिशा रह सकती है? आई थिंक मैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन परसों जो हम लोग ने हाई देखा था, आई थिंक 7,250 के आसपास, और जो वहाँ से मार्केट रिएक्ट हुआ, कल जो इससे मार्केट घटा, मेरा कहना है कि अगले तीन दिन में, आज को इंक्लूड करके गुरुवार है, शुक्रवार है, तीन दिन में अगर इंडेक्स 7,250 के ऊपर नहीं जाता है, इसका मतलब मार्केट आपको कह रहा है मुझे नीचे जाना है। तो बाद में बजट में भले जो भी हो, आई थिंक द ट्रेंड विल रिमेन डाउन। अदरवाइज ऑल्सो मुझे लगता है बजट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो फॉर ऑल यू नो अगर 7,250 के ऊपर एक बार मार्केट जाता है तो एक रैली हो सकती है मार्केट में, विच विल बी सोल्ड इन टू। ओके, मेरा मानना है कि मार्केट में एक डाउन लेग अभी भी बाकी है, और ये पिछले हफ्ते में भी आपके चैनल पर था, मेरा यही व्यू था। अगर आप थोड़ा से पीछे जाए और अगर आप अगस्त 2013 को याद करें, जब चिदंबरम जी ने प्रणब मुखर्जी से फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली थी, अगस्त 28, 2013 को निफ्टी था 5,285 जो लो था, और तभी रुपी का वैल्यू था 68.82 जो भी लो था। उसके बाद राजन जी आया सितंबर 3, 2013 को, और वहाँ से जो मार्केट पड़ा मार्च 2015 में, निफ्टी था 8,997 और रुपी हो गया था 68.82 वाला 61, तो वहाँ पे रुपी भी थोड़ा सा पीक आउट जैसा हो गया और मार्केट भी पीक आउट हो गया। तो आई थिंक जो लोग पूछते हैं मार्केट में क्या लगता है, अभी आप मुझे पूछते हो, तो मेरा एक ही व्यू है कि मार्केट में डाउन लेग बाकी है, क्योंकि मुझे लगता है रुपी एक बार फिर से थोड़ा सा स्लिप होगा 69.5, 70, 71, मुझे पता नहीं है, एक्सट्रीम बिहेवियर कर सकता है, लेकिन जब भी रुपी डेप्रिशिएट होगा मार्केट बॉटम आउट होगा। दूसरा तरीका है मार्केट में बॉटम आइडेंटिफाई करना, जब लोग आपको फ़ोन करके पूछना बंद कर देते हैं कि मार्केट में क्या लेना चाहिए, और लोग कहते हैं कि जो है मेरा सब पेश दो, मार्केट बेकार जगह है, मेरा बोला कि टीवी पे बकवास बात करके गया, वो आदमी बकवास बात करके गया, मार्केट पे मुझे विश्वास नहीं है, इक्विटी से मुझे नफरत है, ये सिचुएशन थोड़ा आना बाकी है, और जब ये सिचुएशन आता है समझ जाइए मार्केट बॉटम आउट हो गया। और तीसरा सजेशन है कि जब भी दिग्गज शेयर जो HDFC बैंक जैसे शेयर है, कोटक बैंक है, आई थिंक ये सारे शेयर, इन्फोसिस है, ये सारे शेयर घट जाते ऐसे लेवल पर जहाँ आपको एकदम अट्रैक्टिव लगता है, तभी आप समझ जाना कि लोग इतने डर गए मार्केट में कि दिग्गज शेयर भी बेचने लगे हैं, मार्केट बॉटम आउट। तो बॉटम मुझे लगता है एक डाउन लेग बाकी है, कहीं ना कहीं एक बॉटम हो जाएगा। निफ्टी मुझे नहीं लगता है 7,000 के नीचे 3-4% और कट सकता है, लेकिन जो मार पड़ेगी मुझे लगता है अभी बाकी है, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। जी चलिए भी जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। वृंद बताइए कौन सा शेयर है? स्टॉक ऑफ द डे आज हमने अगर आप देखें, दो दिन से अगर आप देखिए परफॉर्मेंस अच्छी है सेगमेंट की, लेकिन आई थिंक राम की इन्फ्रा में एक बात मैं पहले कहना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ये स्टॉक जो परसों हमने आउटलुक शेयर किया था वो इसी प्रोस्पेक्टिव से कि प्लीज़ इस स्टॉक से जल्दबाजी बाहर बताइएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है। 41 पे कॉल थी, करीब 4.25 ऊपर रहा, कल भी 9% ऊपर, कल का स्टॉक ऑफ द डे उसमें तो खैर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, लेकिन आज देखिए जो स्टॉक पिक किया है हमने स्टॉक ऑफ द डे के लिए, ये एक पुल बैक ट्रेड है, और कल गिरते हुए बाजार में भी इसने रिफ्लेक्ट किया कि मैं टूटने को तैयार नहीं हूं। कल यूकाल फ्यूल सिस्टम्स को देखिए आप, करीब करीब 5 रुपये बढ़ के 9870 के स्तर पर बंद हुआ। जरा एक बार आप प्लीज़ इसकी ईयरली चार्ट पे आइए, देखिए प्योर टेक्निकल कॉल है, कल 60% का डिलीवरी वॉल्यूम, जरा एक बार प्लीज़ इसके जरा आप चार्ट पे आइए ईयरली चार्ट पे, देखिए कल इसने बहुत कोई रोचक चीज़ नहीं करी, इसने वही चीज़ करी जो कि बीते पूरे 2015 में इसने करी, वो ये कि इसने अपने 80 के बेस को वॉलेट नहीं किया। ये 88 और 89 और 90 के बेस को वॉलेट क्यों नहीं करता, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रीज़न है, और वो ये कि ये इसका 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको इसने परसों भी वॉलेट नहीं किया, परसों यानी ऑलमोस्ट आप देखिए तो सोमवार को इसकी लोअर शेडो यानी प्राइस लो से क्लोज के बीच में बहुत बड़ा अंतर था, प्राइस लोअर लेवल्स पर सेटल नहीं हुआ, 200 डे मा से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, और कल की लोअर शेडो और बड़ी हुई गिरते हुए बाजार में, और काउंटर करीब 9870 बंद हुआ। याद रखिए नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट माइट बी 107 और 108 हो सकता है। क्यों? देखिए अगर आप इसको डेली चार्ट पर जाकर देखें कुछ देर के लिए, तो तीनों के तीनों एवरेजेस 50 डे मा, 100 डे मा और 200 डे मा, ये क्लस्टर जो है ना, जो तीनों एवरेजेस इकट्ठे आके मिलते हैं वो 108 की ट्रेजेक्ट्री में है, यानी अगर मैं इस पुल बैक पर जो मैंने कल देखा जो 60% डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ आया और जो कि फरवरी के सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम डे के साथ आया, अगर मैं इस पुल बैक पर राइड करता हूँ
तो ये क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस एक नेक्स्ट सप्लाई जोन हो सकता है, उससे पहले कोई स्ट्रॉन्ग सीवियर सप्लाई जोन नहीं है। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा यूकाल फ्यूल। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? आई थिंक 93, 94, 95, हार्डली 3-4 रुपए वैल्यू एट रिस्क, लेकिन 107 की पॉसिबल जोन जहां तक ये काउंटर जा सकता है। डेली पर एक पुल बैक ट्रेड के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली फॉयस। तो कल फ्यूल आज का स्टॉक ऑफ द डे 9870 के आसपास कल क्लोज हुआ, लेकिन 107 108 के लेवल्स देखे जा सकते हैं, नजर रखें इस शेयर पर। मेहरबान, रेलवे स्टॉक्स पर व्यू क्या होगा आपका? हालांकि 2016 की शुरुआत से अब तक अगर सभी रेलवे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने अंडर परफॉर्म ही किया है। सेंसेक्स निफ्टी अगर 10% करेक्ट हुए तो ये स्टॉक्स कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 30% नीचे आए हैं। खरीदारी की कोई अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, कीपिंग इन माइंड कि सरकार का रेलवे पर जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक है वो काफी इंप्रूव हुआ है और काफी फोकस भी है? नो डाउट ऑफ द फैक्ट के जो मिनिस्टर है रेलवे के, सुरेश प्रभु जी, पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर्स होंगे पूरे कैबिनेट में, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो स्पेंडिंग होना चाहिए और जो अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसलेट होना चाहिए वो हमेशा टाइम लगता है, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ हरी। और अगर रेलवे बजट का स्टॉक्स का बिहेवियर अगर हम मुझे पूछे, परसों से देखते आ रहा हूँ कि बजट के 15-20-25 दिन पहले ये स्टॉक्स मूव देते हैं और रेलवे बजट के बाद सेल ऑफ हो जाते हैं। तो आई पर्सनली इन दिस पर्टिकुलर स्पेस मुझे टेक्समैको और टिटागर दोनों पसंद है, बट जस्ट 2-3 डेज बिफोर द रेलवे बजट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दिस स्टॉक्स आर मेंट फॉर दोस फ्लीट फुटेड ट्रेडर्स जो थोड़ा भी स्क्रीन पर मूवमेंट देखते हैं और एक बार निकल जाते हैं। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल इफ समबडी वॉन्ट्स टू बाय, व्हेन आई से लॉन्गर टर्म 2-3 साल के लिए, आई पर्सनली फील ये स्पेस में काफ़ी 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 एक्शन होगा एंड दिस स्टॉक्स एट द प्रेजेंट लेवल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म एंगल आर डेफिनेटली नॉट बैड बाय। सो इफ समबडी वॉन्ट्स टू बाय फॉर अ लॉन्गर टर्म एंगल, आज लो या रेलवे बजट के बाद लो, आई थिंक कुछ फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। सो वेट फॉर क्लैरिटी टू एमर्ज, लेट द रेलवे बजट बी ओवर, पॉसिबली मे गेट द स्टॉक 5%, 7%, 10% लोअर ऑल्सो।